जनपद रुद्रप्रयाग मुख्यालय में निर्माणाधीन बाईपास टनल का ब्रेक थ्रू सफल होने पर जनता में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से रुद्रप्रयाग के बेलणी बद्रीनाथ हाईवे को जोड़ने के लिए 900.3 मीटर लंबी सुरंग के सफल आर पार होने पर रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी सुरंग का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग को आपस में जोड़ने के लिए तैयार हो रही यह सुरंग यातायात व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वहीं अधिशासी अभियंता निर्भय सिंह ने कहा कि 156 करोड़ की लागत से तैयार हो रही सुरंग परियोजना का कार्य जुलाई 2025 तक पूरा कर दिया जाएगा। कंपनी के AGM अश्विनी कुमार ने बताया कि यह कार्य तय समय से लगभग 2 माह पहले किया गया है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। अब दूसरे चरण के कार्य जल्द ही शुरू किए जाएंगे। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। कि राज्य सरकार केंद्र सरकार ने ये जो प्रोजेक्ट आपके रुद्रप्रयाग में लाया, इससे लोगों को और यात्राओं की दृष्टि को देखते हुए इसका सब लोगों को बेनिफिट मिलेगा। आज हमारी टनल की ब्रेक थ्रू हुई है, उसके बाद ब्रिज का काम भी हमारा स्टार्ट है, फर्स्ट मोटर से शुरू हुई है, तो उसको भी आगे सुचारू रूप से शुरू करेंगे। तो हम ये 200 मीटर का पुल और 900 मीटर की हमारी टनल थी, 156 करोड़ इसकी लागत थी। अभी पुल का काम फाउंडेशन का चल रहा है, टनल हमारी जो है थ्रू हो गई है, 900 मीटर कटिंग पूरा होके और समय से पहले ही ये ब्रेक थ्रू हुआ है हमारा, काफ़ी जल्दी काम हुआ है इसमें। और ये बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए जो रुद्रप्रयाग में काफ़ी जाम रहता था, यात्रियों को काफ़ी समस्या होती थी, उसके लिए बहुत सुगम यात्रा हो जाएगी। और इसका स्टार्टिंग जो है जनवरी 2023 में स्टार्ट हुआ था, कंप्लीशन इसका जुलाई 2025 में, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि समय से पहले ही ये काम कम्प्लीट हो जाएगा। फायदा व्यापारियों को है, यहाँ पर जितना भी जाम लगता है, ये जो भारी वाहन जाते हैं इनके कारण जाम लगता है, और रुद्रप्रयाग में इतना स्पेस है नहीं जो कि जाम से निजात पा सके, इसलिए बहुत बढ़िया बात है जो ये सुरंग बनी है। सुरंग से रुद्रप्रयाग शहर को काफ़ी फायदा होगा, जिससे कि आम यात्री अपनी गाड़ी खड़ी करके आराम से सामान खरीद सकता है, आराम चाय पिएगा, खाना खाएगा, रहने के लिए आएगा। एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना थी, बहुत लंबे समय से इसका इंतज़ार था और समय पूर्व हमारे सबकी अपेक्षाओं से भी कम समय में इस टनल का ब्रेक शुरू हुआ है। और अब कार्यदायी संस्था से हम यही चाहेंगे।